हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जब से वो कमीना महामंत्री नारायण ने मुझे मेरे ही हवेली से निकाला और मेरे माता पिता को मौत के घाट उतार दिया, उस दिन से मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। और अचानक घूमते घूमते एक रिटायर्ड डीआईजी साहब के घर जा पहुंचा और जब वहां पर गया उन्होंने मेरी हाल खैरियत पूछी और मैं अपनी आप बीती डीआईजी साहब को बताया। उन्होंने सुना तो कहा, बेटा तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने बोले कि बेटा तुम हमारे यहाँ रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे घर पर रहकर साग सब्जी लाना है, मार्केट करना है और कोई काम नहीं है। उसी दिन से मैं उस रिटायर्ड डीआईजी साहब के घर पर रहने लगा। और एक दिन की बात है, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई की है। तो मैं बोला, जी सर पढ़ाई तो किया हूँ, अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी पढ़ाई किया हूँ और उसके बाद लंदन भी जाकर पढ़ाई किया हूँ। उन्होंने सोर्स सिफारिश लगवा कर मेरा इंटरव्यू दिलवाया और पुलिस का वांट जब निकला तो फॉर्म को भी अप्लाई करवाया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अब चल रहा हूँ डीआईजी साहब के घर पर, थोड़ी देर आराम करूँगा और भूख लगी है, खाना खाऊंगा। ओ भाई साहब, इधर आइए इधर आइए। बोलो बोलो, ये बताओ कि ये अजीत सिंह का मकान कौन सा है? अजीत सिंह? हाँ हाँ। सबसे पहले ये बताओ कि आखिर अजीत सिंह से क्या काम है तुम्हारा और अजीत सिंह के तुम कैसे जानते हो? देखिए उनका खत है, अब मैं उनको देना चाहता हूँ। यानी कि अजीत सिंह के नाम से लेटर है? जी हाँ। तो तुम जानना चाहते हो कि अजीत सिंह कौन है? बिल्कुल, बगैर उनके हम कैसे दे सकते हैं। तो ठीक है, वो अजीत सिंह मैं हूँ। आप हो? जी हाँ। ठीक, तो देखिए ये आपका जो है खतहा है। खतहा है? हाँ। अरे खत है, लेटर है कि खतहा है? अरे आप कहीं डीआईजी साहब के यहाँ से कोई अप्लाई फॉर्म भरे थे फोर्स पुलिस के लिए? जी हाँ जी हाँ। हाँ तो वही आपका खतहा आया है? खतहा नहीं, खत आया है। हाँ, लेटर वही, है। वही, वही। ये लो और जरा इस पे आप साइन कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम भी सरकार को जवाब दे सके। ठीक है, अब मैं इस लेटर में देखता हूं कि आखिर किस चीज का लेटर है ये। ये तो वही लेटर है जिसका इंटरव्यू डीआईजी साहब ने मुझसे दिलवाया था। यानी कि आज मेरी मेहनत रंग लाई, माता पिता का आशीर्वाद रंग लाया और उन डीआईजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये पुलिस फोर्स के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। अब मैं चल रहा हूँ और चल कर देखूंगा कि मेरी पहली पोस्टिंग आखिर कहाँ होने वाली है। चल रहा हूँ, आगे दे रहा सहारा है मैंने। भगवत, कौन सा गुनाह किया है जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मालिक? भूख और प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा है और नारायण पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया है कि महारानी को जो कोई खाना या पानी देगा उसको बाल बच्चों सहित जान से मरवा दिया जाएगा। इसी तरह से कोई मुझसे बात नहीं करते। सुनियो कि दुर्गा मैया के मेला लगा है, उसी मेले में चलती हूँ और कुछ ना कुछ मांगने पर मिलेगा, खाकर अपनी भूख मिटाओगी। तेरा सहारा है मालिक। ये विधि का लिखा तो कहूं मैं तन्हारा
सजनी कराबी पीते हसन हुसैन पहरे फटा पुराना इतिया कदी ने रहा जाना था जमाना छूटा सुतियो सजानवा हरि राम हमरा के भैल दोष मानवा सारा जमाना करे चलती हूँ दुर्गा मैया का मेला लगा है वही कुछ मांग कर खाऊंगी तेरा सहारा है मालिक मेरी रक्षा हराम जादी की तवा सावित्री तो दुनिया में घूम घूम करके हरामजादी मेरी बदनामी करा रही है मेरी बेइज्जती करा रही है। आखिर तूने नारायण सिंह को समझा क्या है रे? ये नारायण सिंह जब तेरे पति को मार सकता है तेरा राष्ट्र घासन सींच सकता है तो तुझे तेरे साथ में क्या नहीं कर सकता? क्या करे जदीन? क्या चाहता है मुझे? हरामजादीन मैं तो वही चाहता हूँ जिस तरीके से तेरे पति को इस दुनिया से उठा दिया। आज मेरे दिल में वही आग डल रही है कि मैं तुझे भी वही भेज दूं जहां तेरा पति गया। हराम तो मुझे मारेगा? मेरी बात सुन। क्या कहना चाहती है बोल। तो शिव से टकराया भस्म भस्म हो गया रे शिव
जाएगा। भोले बाबा की शायद नजर उठ गई, तेरा अरमान भी खाक हो जाएगा। हरामखोर, तूने बहुत जुर्म मेरे ऊपर डाया है। आज रही ये तेरा घमंड, ये तेरा घमंड, ये गुरूर टूटेगा और एक दिन जरूर टूटेगा। जिसने देखा है बुलंदिया की तरफ उसका सितारा जरूर टूटेगा। अरे एक दिन तू पछताएगा नारायण, मांगने से तुझे भी नारायण पछताएगा। हरामजादे, अरे जब तू इस दुनिया में रहेगी हरामजादी, तब तो नारायण पछताएगा। हरामजादी नारायण। चल हरामजादी, मरने के लिए तैयार हो जा। या मालिक, चल हरामखोरी, तेरा सारा है भगवान, तेरा सारा है मालिक, मेरी जान तुम्हारे हाथों में है भोले बाबा। चला गोली, चल हराम, चला चल इधर हराम जादी। चल, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। अरे कौन बचाने वाला बड़ा होता है रे, ये नारायण सिंह है हराम जादी। दुनिया की कोई जरूरत नहीं जो कि साला नारायण सिंह किस पंगा लेगा रे। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर नंबर दो, खबरदार, अब तीन कहना नहीं मैं बस खबरदार। मेरे बंदूक से गोली अब निकली, अगर लाश खड़ी की खड़ी दम निकल जाएगा। हरामखोर, जब बता आखिर इनको मारना क्यों चाहता है, बोल। कौन हो तुम, कैसे यहाँ चले आए? मैं कैसे चला आया? जी हाँ, अबे मेरा नाम डाकू रंजीत सिंह है। तुम्हारा नाम डाकू रंजीत सिंह है? लेकिन डाकू रंजीत सिंह, इस नारायण से हमारी तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है? कौन सी ऐसी बगावत है जो कि तूने मेरे काम में आकर के दखलबाजी किया है? अबे दुश्मनी तो कोई नहीं है, फिर भी अगर तू किसी अबला को, किसी असहाय को फालतू में परेशान करेगा, तुझे रंजीत सिंह उसे छोड़ता नहीं। कोई बात नहीं रंजीत सिंह, कल वक्त मेरा था, आज वक्त तुम्हारा है, ये तो वक्त की हेरा फेरी है। मेरी बात सुनो यार, बोल। वो देखो सामने से पुलिस आ रही है, वो देखो इधर आ रही है। साला सरदार जी, बेवकूफ बना के भाग गया साला, भाग गया, भाग गया। लेकिन कोई बात नहीं, इससे पूछता हूँ, दोबारा मिलेंगे साले को दौड़ा के मारूंगा। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, मारेंगे साले को। ये बताइए आखिर ये आपको परेशान क्यों कर रहा था? ये बताओ आखिर ये तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था, तुम्हें क्यों मारना चाहता था? बेटा न पूछो कुछ मेरे बेटा, न पूछो कुछ मेरे बेटा, मेरे दिल की कहानी। पूछो कुछ मेरे बेटा, मेरे दिले
जमाना हो गया दुश्मन, जमाना हो गया दुश्मन, मुझे किल्लत उठानी है। कहरे वर्षा के जाल में महल में बात कर बारा, कहर वर्षा के जाल में महल में बात कर मारा, रोए चांद और सूरज, रोए चांद और सूरज, टूटा जब ये आसिया बात। ओ मार कहानी ना पूछा तो बड़ी अच्छी बात। मुझे बेटा कह रही हो? हाँ बेटा। तो मेरी बात सुनो, मुझे बेटा न कहना माँ, मुझे बेटा न कहना माँ, ये बेटा हत्यारा है, मुझे मुझे मैया एक डाकू, मैं हूँ मैया डाकू, नहीं मेरा सहारा है, मैं हूँ तो मुझे बेटा करिए ना, लेकिन मैं तेरा बेटा बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक डाकू हूँ, एक हत्यारा हूँ, मैं तेरा बेटा कैसे बन सकता हूँ माँ? बेटा रिश्ता खून से नहीं प्रेम से भी होता है, आखिर क्या समझकर मुझे बचाने आए हो? अगर तुम ना आते तो आज शायद इस दुनिया में मैं ना रहती। माँ मैंने भी कसम खाई है कि इस दुनिया में किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार होगा ना, मैं जरूर मदद करूंगा, क्योंकि बचपन में मेरी माँ मुझे मंदिर छोड़कर चली गई और मेरे पिता का कोई पता नहीं, बस इसी तलाश में माँ मैं भी एक डाकू बना हूँ। तो सुन बेटा मैं कहना क्या चाहती हूँ। बोल माँ। कि सुनो अब मैं सुनाती हूँ, सुनो अब मैं सुनाती हूँ, बड़ा गम का फसाना मैं सुनाती हूँ, बड़ा गम का फसाना है।
सूरज लुटा जब मालकन हो सुनो बेटा और छीन कर हार लाखों का छीन कर हार लाखों का बड़ा नारायण कमी कबाब हमें कालीगंज के बहू रहे क्या दूसर नहीं नारायण रहा बेटवा पहले हमारे आंख महामंत्री रहा धोखे से सारी रियासत अपने नाम करवा ले अपने नाम लिखाए के बाद हबका मार के हवेली से भगा दे माँ अगर ऐसी बात है ना तो मेरी बात सुन करो न गम मेरी मैया करो न गम मेरी मैया तेरा अधिकार दिलाऊंगा करके उसे जन्नत पहुंचाऊंगा माँ तू चिंता मत कर अगर तेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है ना तो तू मेरे साथ अपनी हवेली पर चल और उस हरामखोर को मैं मारकर तुम्हारे अधिकार को तुमको जरूर दिलाऊंगा आज से मैं तुझे अपना धर्म का बेटा मानती हूं और भक्त होने के कारण मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूं क्या मां कि कालीगंज जाने का आदर में दे रही बात मेरी तू बेटा भुलाना नहीं अरे नारायण से है दूसरों पर कोई जुर्म ढाना खाक सौगन मैया मैं ये कह रहा जाके कालगंज में आफत मचाऊंगा मैं मार करके नारायण को मैया मरी उसको साले को दोजक पहुंचाऊंगा मैं मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ कि कालगंज जाऊंगा और वहां पर किसी के ऊपर अन्याय नहीं करूंगा सिर्फ जो तुम्हारे ऊपर अन्याय किया है ना उस हरामखोर को इस दुनिया से मिटा दूंगा मेरा दुश्मन इस इलाके में सिर्फ नारायण है नारायण के अलावा और मेरा कोई दुश्मन नहीं है तो ठीक है माँ चल और हम लोग जाएंगे उस हरामजादे को जरूर इस दुनिया से मिटा देंगे चलो बेटा चलो माँ